अब तक आपने देखा, जब मीना को पता चलता है कि उसके घर पर आया महेश इंसान नहीं असुर है, तो महेश अपना राज खुलने के डर से उसे मार देता है। उसी वक्त घर लौटे जयंत, टाइगर और गौरी मीना की हालत देखकर चौंक जाते हैं। गौरी हमलावर पर माँ दुर्गा के त्रिशूल से वार करती है, लेकिन वो बच निकलता है। महिषासुर खुद से वादा करता है, महिषासुर की दुर्गा पर विजय, फिर कौन बचाएगा इंद्र के सिंहासन को मुझसे। जब वो महेश को अपना दोस्त समझकर उसे इस लॉकेट के बारे में बताती है, उस तक पहुंचने की पहली कड़ी हमें मिल चुकी है। एक स्त्री जिसने हमारी माँ का स्थान लिया था, उसके हत्यारे को दंड अवश्य मिलेगा महेश। अब आगे, हत्यारे का लॉकेट। गौरी देखो, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत दर्द है, अफसोस भी है कि तुम उस हत्यारे को पकड़ नहीं पाई। शायद इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है और अपने आसपास की सारी चीजें तुम्हें हत्यारे की अपनी आंखों देखी पर विश्वास करना खेल नहीं होता महेश। फिर चाहे किसी को हम पर विश्वास हो या ना, हम जानते हैं कि ये माला उस हत्यारे की ही है और हमें उस तक जरूर पहुंचाएगी। ऑफ कोर्स गौरी, अगर तुम्हें यकीन है तो तुम्हारी आंखों देखी पर मुझे भी विश्वास है। लेकिन गौरी तुम चिंता मत करो, तुम उस लॉकेट को संभाल के रखना। मेरे डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड है कुछ पुलिस ऑफिसर, मैं उनसे बात करता हूँ और तुम सिर्फ वो लॉकेट संभाल के रखना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? नहीं महेश, तुम्हें और कष्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ। मुझे तकलीफ हो रही है या नहीं ये तुम मुझे तय करने दो। अगर मैंने तुमसे लॉकेट नहीं लिया तो मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होगी। देखो गौरी, मेरी बात समझो, मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम सिर्फ एक काम करना, उस लॉकेट को संभाल के रखना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास वो लॉकेट लेने, ठीक है? ठीक है। मदद तो तुम्हारी ही कर रहा हूँ गौरी, शुक्र की नजरों से बहुत दूर जो रख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो लगा है वो कोई साधारण लॉकेट नहीं, असुरों की पहचान है, वो कड़ी है जिसने सारे असुरों को जोड़ कर रखा है। एक दूसरे तक पहुंचने का इकलौता जरिया, अगर इस लॉकेट के इस्तेमाल से गौरी असुरों तक पहुंच गई तो टूटी कड़ियों को जोड़ने में शुक्र को इतना वक्त लगेगा और ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। गौरी को जकड़ेंगी तो सिर्फ मेरी जंजीरें, देवी पर काबू पाने का हक शुक्राचार्य का नहीं सिर्फ मेरा है। मैं जानती हूँ आपको बहुत तकलीफ हो रही है मीना ताई के अचानक जाने से, जैसे देवी मंदिर से नाराज होकर चली गई, लेकिन मैं किधर जाऊं? मेरे लिए तो मीनाताई ही मेरी देवी थी, अब कौन बचाएगा मेरे बच्चे को? उनका अधूरा काम पूरा करना हमारी जिम्मेदारी, विश्वास रखिए। एक बेटे को अपने माँ से अलग नहीं होने देंगे हम, वचन है हमारा आपसे। इतनी देर से कहाँ थी गौरी? महेश से बात कर रही थी? नहीं टाइगर, हम इस माला को देख रहे थे। हमारा मानना है कि ये उस हत्यारे का है। ये कहां से मिला तुम? वहीं खिड़की के पास से। हमारा मानना है कि जब हमने उस पर त्रिशूल से वार किया होगा तभी वहीं टूटकर गिर गया होगा। ये लॉकेट अब उसकी फांसी का फंदा बने। उस अपराधी को दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें शांत मन से सोचना होगा। ये माला तो हमारी खिड़की के पास भी पड़ा हुआ है, परंतु ये कैसे संभव है? अगर ये माला तब टूट कर गिरी है जब हमने उस पर वार किया, तो कल रात तो सूरज यहीं। क्या एक काम कर सकती है, क्या आप हमारे लिए वो माला लेकर आ सकती है? जी। टाइगर, हमारा मानना है कि कोई साधारण माला नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा तो नहीं है किसी गैंग का काम हो, ये
बहुत बड़े गिरोह का निशान, या फिर किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की। मैं कौन हूँ, क्या जो हो रहा है वो क्यों है, जो मैं चाहता हूँ जिन्हें चाहता हूँ वो हमेशा जुदा क्यों हो जाते हैं। सवालों की आंधी है मन में, जब जब खुद को बिखरता पाता यहाँ चला आता इन ग्रहों में इन तारों के पास। एहसास होता है कि इस दुनिया के आगे भी एक दुनिया है जो हमें देख रही, संभाल रही। कभी सोचता हूं कि क्या इनमें से एक छोटा सा तारा मेरा भी है। ये तारे कोई रास्ता क्यों नहीं दिखाते? रोशनी तारों से है। लेकिन ये तारे ही अंतरिक्ष से हैं। अंतरिक्ष के बिना इन टिमटिमाते हुए तारों का कोई अस्तित्व है क्या? अगर अपनों को बचाना चाहते हो तो पहले उनकी रक्षा करो जिनसे तुम जिनका तुम अंश हो, जो तुम्हारे पिता रूप है। पता नहीं क्यों टाइगर, जब भी इस मानक को देखते हैं ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, जैसे पहले कहीं देखा हो इसे हमने। ऐसा कैसे हो सकता है गौरी, पहले कहाँ देखा हो? और वैसे भी हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हमें कोई ना कोई जानकारी मिल जाएगी। हम नहीं जानते टाइगर, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा। हमें नहीं लगता कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, इन्हें पुलिस के हाथों सौंपना चाहिए। और जैन जी को दिखाने से पहले तो बिल्कुल ही नहीं, शायद उन्हें कोई जानकारी हो इसके बारे में। हैरान ना हो पुत्र, याद है तुम्हें देखते ही गौरी ने क्या कहा था? कैसे भूल सकता गुरुजी, आपने हमें ढूंढ लिया। वो समझ बैठी कि मैं उसके गुरुजी का रूप, लेकिन मेरा उसके गुरुजी की तरह दिखना और मेरे परिवार की मुश्किलें, इनका क्या संबंध है? बिना संबंध और बिना कारण इस संसार में कुछ भी नहीं होता। संबंध तुम्हारे अस्तित्व से है, भाग्य से है। जिनके तार तुमसे जुड़े हैं उनके तुम अंश हो। गुरुदेव बृहस्पति, हर युग का है ये सत्य। एक ओर देवों के गुरु बृहस्पति का दायित्व, तो दूसरी ओर असुरों के गुरु शुक्राचार्य का षड्यंत्र। धर्म और अधर्म दोनों ही संसार के दो चाक हैं। धर्म स्वार्थ और लोभ के अंधेरे की छोटी सी ज्योत है,
लेकिन जब जब अधर्म तूफान बनकर धर्म की ज्योत मिटाने को चल पड़ता है, तब तब धर्म को ज्योत से ज्वाला बनना ही पड़ता है। देवों को लेना पड़ता है मानव अवतार, और कलयुग में धर्म की महारक्षक है गौरी। स्वयं बृहस्पति ने उसे इस कार्य के लिए तैयार किया है, ताकि अपनी अच्छाई की शक्तियों से वो शुक्राचार्य को पराजित कर सके और उन दोनों के बीच संपर्क का एकमात्र माध्यम हो मैं। लेकिन मैं कैसे? अब और कोई विकल्प नहीं। शुक्राचार्य ने गुरु बृहस्पति को बंदी बना दिया है। ऐसे कारावास में बंद किया है जहां से वो स्वयं तो क्या, उनके विचार भी बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इस संसार में एक पिता से उसके पुत्र के अंश को कोई भी मिलने से नहीं रोक सकता। इस कलयुग में उनका वो अंश तुम हो। अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मैं गौरी की कोई भी मदद कर सकता हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मैं गुरु बृहस्पति तक कैसे पहुंचूं? वो कारावास, वो शक्तियां, मैं तो सिर्फ एक इंसान। शक्तियां तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर ही होती है, बस उन्हें ढूंढने का, उनसे जुड़ने का प्रयास करना होता है। प्रयत्न करो पुत्र, प्रयत्न करो। प्रयत्न? लेकिन क्या? हमारी बात ध्यान से सुनो। गौरी को असुरों पर विजय पानी ही हो, लेकिन एक महारक्षक को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए स्वयं की रक्षा करनी पड़ती है। असुर गौरी के बहुत समीप आ गए, उसके जीवन में प्रवेश कर चुके। इस बात का उसे आभास नहीं, उसे मार्गभ्रष्ट मत होने तो चयन था। असुरों तक पहुंचने का केवल यही एक अवसर है। वो छवि, वो चीज, लेकिन वो था क्या? शायद लॉकेट। लेकिन गुरुजी ने ये क्यों कहा कि असुर गौरी की जिंदगी में पहुंच चुके हैं? मतलब महेश, हमारा पीछा क्यों कर? गौरी, मैंने कहा था ना कि मैं आ रहा हूं। ऐसे वक्त पे दोस्तों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तुम रुकी क्यों नहीं? और इतनी देर से मैं हॉर्न बजा रहा हूं, तुम लोग का ध्यान कहां पे है?
आपको शायद सुना नहीं, हम बहुत ज्यादा परेशान थे और वैसे भी सूरज का कुछ। गौरी, तुमसे दो मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? टाइगर, अगर बुरा ना मानो तो काम पे लगाओ इनको। पास घोड़े को भी अगर चार चाबुक ना पड़े तो साढ़े गधे हो जाएं। इतने सारे शक्तिशाली गुलाम और सबकी लगाम महाबली असुरों के हाथ में। एक बार कहने पे सारे असुर इकट्ठे हो गए। देखता हूँ अब समय पे काम कैसे नहीं खत्म होगा। सरकार, आपने पूछा था वो असुरों के बारे में, वो महिषासुर अब तक। महिषासुर, कुत्ते की पूंछ एक बार सीधी हो जावे मगर भैंसे के सींग ना होवे। उसने अपनी शकल न दिखाई, जरूर उसकी खोपड़ी में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। एक मौका और देते हैं उसको, अगर फिर भी ना आया तो गुरु शुक्राचार्य के कान तक बात पहुंचानी होगी। क्या कह रही हो गौरी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कैसा सचमुच? सुनकर तो हम भी चौंक गए थे महेश, लेकिन सावित्री चाची को पूरा विश्वास है। अगर उस गिरोह का एक भी व्यक्ति पकड़ा गया ना, तो माँ का हत्यारा अवश्य पकड़ा जाएगा। और वैसे भी उसके हाथ में त्रिशूल का काव्य जो ने उसे लिया। लंबे समय तक भरेगा नहीं। गौरी, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मेरे डैड के दोस्त बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, तो अगर तुम वो लॉकेट दिखाती तो शायद मैं कुछ मदद करता तुम्हारी। हाँ अवश्य, अगर कोई भी जानकारी मिल पाई तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। टाइगर, गाड़ी में से वो माला देना हमें। क्यों? ये डिटेक्टिव है क्या? ये लॉकेट देख के केस सॉल्व कर देगा। टाइगर, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो टाइगर? केवल मदद करना चाहते हैं हम। इसे कहते हैं चालाकी। गौरी अपने हाथों से असुरों तक पहुंचने के अपने इकलौते मौके को अलविदा कर रही है। जैन सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये आपका हो ही नहीं सकता। नहीं, वो क्यों, तुझे कैसे पता ये मामू का नहीं तेरा है क्या? गौरी टाइगर, जल्दी चलो, सूरज की माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया। जल्दी चलो गौरी। आप
आपका इरादा क्या है मैं ये नहीं जानता जैन सर, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि महेश का रास्ता काटना आसान नहीं। बुरा ना माने तो एक बात कही जैन जी, वो माला आपकी कैसी हो सकती है जब झूठ कहा मैंने, ये कोई आम लॉकेट नहीं है, ये लॉकेट असुरों की पहचान है। सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि एक साधन है जिससे कि एक असुर दूसरे असुर को सिग्नल्स भेज सकता है, संपर्क कर सकता है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने इसे बनवाया है। असुर? लेकिन आपको कैसे पता? लंबी कहानी। कैसी कहानी मामू? फिर कभी टाइगर। फिलहाल मैं बस इतना कह सकता हूं, ये लॉकेट जिस भी आदमी का है या इनफैक्ट असुर का है, और हम उस तक पहुंचने के लिए जितने बेताब हैं, उसे कहीं ज्यादा बेचैन वो खुद होगा। इस लॉकेट तक पहुंचने के लिए वो हम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। तब तो उसके पहुंचने से पहले हमें ये पता करना होगा कि माला का उपयोग आखिर होता कैसे है। हो ना हो, माँ की हत्या, सूरज का अपहरण, ये कड़ी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जरूर जुड़ी हुई है, और आगे पता नहीं और क्या क्या हो जाए। हमें जानना ही होगा कि एक असुर आखिर दूसरे से संपर्क करते कैसे हैं। लेकिन इस माला को देखकर हम ये नहीं समझ पा रहे कि इसका उपयोग आखिर होगा कैसे। हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जैन जी, आप ही ने इस माला का रहस्य ढूंढा है, आप ही कोई सुझाव दीजिए। ये तो भौगोलिक स्थान दिखाने का कोई प्राचीन तरीका लग रहा है, और अगर इसे बराबर समझा जाए तो ये जगह यहीं कहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अंतिम बार जिस असुर ने इसे इस्तेमाल किया था वो भी यहीं कहीं होगा, और हो सकता है माँ का हत्यारा भी यहीं कहीं हो। लेकिन वो हमें ढूंढे, उससे पहले हमें उसे ढूंढना चाहिए। कहाँ भागोगे टाइगर? जहां भी जाओगे मुझे ही पाओगे। ओए छोरे, जल्दी जल्दी आज चला, नहीं तो कनपटा पे इतने थपेड़े मारूंगा जिंदगी भर बहरा हो जाएगा। ये लोग नहीं है, प्लीज मुझे इनके साथ नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई कहती है कि हम सब दुर्गा माँ के बच्चे हैं, इसलिए हमें कभी भी डर लगे तो सच्चे मन से दुर्गा माँ का नाम लो। माँ अपने बच्चों को हमेशा खुश रखती है। मतलब दुर्गा माँ हमारी रक्षा करेंगी अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो ये असुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जा रे, और छोरों को लेके आओ। जाओ। जी सरकार। चले, चला आ जाओ। जैन जी, जरा जल्दी
वो असुर हमें रोकने का प्रयास अवश्य करेंगे। भी अब खराब होनी थी, मैं चेक करता हूं। मामू ये दरवाजे नहीं खुल, मेरा दरवाजा बंद हो, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। क्या पता गई जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे दरवाजे एक साथ कैसे जाम हो सकते हैं? किसी के नहीं। बहुत याद आ रही है ना दुर्गा माँ की? आई आई ना अभी तक नहीं आई, तो चल तुझे ही उसके पास भेज देता हूँ। आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? ताई, मुझे आपने बचा लिया। आज सच बोलती थी कि दुर्गा माँ हमेशा मदद करती है, आपको भी उन्होंने ही भेजा है। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको ज्यादा मारा तो नहीं ना? आपके साथ कुछ किया तो नहीं? नहीं ताई, मुझे तो आपने बचाया, लेकिन वो दूसरे बच्चे, वो छोटे हैं, वो मुझसे भी छोटे, बहुत मारा उन्हें, बेचारे बहुत रो रहे थे। क्या हाल किया उनका? उनको सिर्फ और सिर्फ आप ही बचा सकते हो ताई। अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को इतनी पीड़ा देने वालों को तो हम, एक काम कीजिए, अब सारे बच्चों को यहाँ से इकट्ठा कीजिए और यहाँ से जल्दी निकल जाइए, अभी जाइए। लेकिन कैसे ताई, आपके बिना मैं? नहीं सूरज, डरो मत, विश्वास रखो अपने आप पर, तुम ये कर सकते हो, यहाँ पर हम संभाल लेंगे। जाओ जल्दी जाओ।
गई नाक घुसेड़ने बीच में। घर वालों ने समझा नीतन ने कि छोरी की नाक घड़ी लंबी नहीं होती वरना काटनी पड़ जावे। ये करूं और टालू के हमारी चिंता छोड़ो पापी, ये सोचो कि तुम्हारा बचाव कौन करेगा जब हम तुम्हें दंड देंगे। तुम्हारे जैसा स्वार्थी क्रूर और दुष्ट व्यक्ति के लिए तो एक ही दंड निश्चित है, विनाश। तू करेगी विनाश। एक छोरे को गिरने से क्या बचा लिया, अपने आप को सरपंच समझ बैठी। जाके चूल्हा फूंक, तो करेगी विनाश। चूल्हे पर तो रोज ही कोयले की चिता जलती है, लेकिन तुम्हारा अंतिम संस्कार कैसे होगा? अरे देख क्या रहे हो, मारो इसको। इतनी शक्ति सारे असुरों पर अकेली भारी पड़ रही है, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। ए छोरी, कौन है तू? हम कौन? केवल एक साधारण स्त्री जो स्नेह और त्याग करती है, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान, उसके बच्चे, उसके संसार को कोई हानि पहुंचाता है, तो यही जीवन देने वाली स्त्री नाश ही कर सकती है। लेकिन इतने भी नहीं एक स्त्री के क्रोध को हरा सकते। शस्त्रों की आवश्यकता तुम जैसे पापियों को होती, हमारे लिए तो हमारी शक्ति, हमारी पवित्रता हमारा सबसे बड़ा अस्त्र। शक्ति से विजय तो विजय होती है तुच्छ लड़की। इतनी भी क्या जल्दी है कुंभकर्ण? मेरा नाम लेने का दुस्साहस करने वाले इंसान कौन हो तुम? जो हाल इस लड़की का हुआ है वही तुम्हारा भी होगा, समझे? जाग गए लेकिन आंखें अभी तक नहीं खुली। मुझे ना पहचानने की भूल कितनी महंगी पड़ सकती है ये भी अब मुझे ही बताना पड़ेगा।
महिषासुर तुम? महिषासुर नहीं, महेश, एक आम इंसान। अवतार चाहे जो भी ले लो महिषासुर, उससे तुम्हारा उद्देश्य नहीं बदल सकता। आज हर असुर का एक ही उद्देश्य है, असुर राज। उसके बीच में अगर कोई भी कांटा आएगा तो उसे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, चाहे भले ही वो कोई स्त्री क्यों ना हो। और तुम एक स्त्री के लिए मुझसे युद्ध करने चले आए हैं? लगता है लंबे समय जागरण की वजह से तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ गई है कुंभकर्ण। वो जिसे तुम्हारा एक भी असुर एक घाव नहीं दे पाया, वो जिसने तुम्हारी पूरी सेना को अकेले मात दे दी, शक्ति का आश्चर्यजनक प्रदर्शन, तुम्हें एक साधारण स्त्री नजर आती है? अहंकारी महिषासुर के मुंह से किसी और की प्रशंसा, वो भी एक नारी। इसका केवल एक ही अर्थ है कि वो दुर्गा है, मानव रूप में दुर्गा। जो इतने दिनों से गुरु शुक्राचार्य नहीं कर पाए, पृथ्वी पर मुझसे पहले आए हुए असुर नहीं कर पाए, वो कुंभकर्ण ने करके दिखा दिया। गुरु शुक्राचार्य, कहा था ना मैंने आपसे कि कलयुग में कुंभ से प्रलय उठेगी। शुरुआत हो चुकी है, अब शुभ समाचार देने का समय आ गया है। शुक्र को मैं गौरी तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा। देवी पर विजय पाने का अधिकार सिर्फ मेरा। नाश की पहली सीढ़ी तुम चढ़ चुके हो महिषासुर, भाई खड़े रहो। देवी को पाने का प्रयास मिथ्या है, परिणाम वही होगा सदियों पुराना। भूल गए क्या? कैसे भूल सकता वो दिन, वो क्षण, वो युद्ध। उसे अपना बनाना चाहता था, अपनी महारानी, लेकिन उसने मेरा ही वध कर दिया। प्रेम युद्ध था मेरा, उसने अंतिम युद्ध बना दिया। नहीं, इस युद्ध का अंत मैं करूंगा, कलयुग में उसे विवाह करूंगा, और जब वो रिश्ते को निभाने के लिए विवश हो जाएगी तब होगा उसका अंत मेरे हाथों। देवी का विनाश होगा, वो अपनी अंतिम सांस लेगी, लेकिन मेरी बांहों। बस महिषासुर, जिस अवसर की सदियों तक असुरों ने प्रतीक्षा की, देवताओं का अपमान था, पताल लोक की कुंठा झेली, उस अवसर को तुम्हारे प्रतिशोध की आग में मैं राख नहीं होने दे सकता। इसे तुम्हारे अहंकार का युद्ध नहीं बनने दूंगा मैं। निर्णय तुम्हारा है कुंभकर्ण, बस इतना याद रखना, जो मेरे साथ नहीं वो मेरा विरोधी है, और हर विरोधी शत्रु होता है।
इसका मतलब गौरी असुरों के नजदीक पहुंच चुकी है। बस किस तरह वो खुद की रक्षा कर ले। एक असुर होकर दूसरे असुर पर वार करते हो, शुक्राचार्य कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। माफी की जरूरत ना महेश को है ना महेश को। कुछ नहीं कर पाएंगे शुक्राचार्य, क्योंकि उन्हें पता चलने से पहले ही गौरी मेरी पत्नी बन जाएगी। त्रिदेव की शक्ति से जन्मी दुर्गा मेरी पत्नी मेरे वश में, फिर क्या करेगा तुम्हारा शुक्र? जब तीनों लोकों में बन जाऊंगा सर्वशक्तिशाली, मैं तो हर कीमत पर अपना मना के रहूंगा गौरी। तुम मेरी नहीं बनोगी तो मुझसे और इस पूरी दुनिया से दूर कैसे जाओगी? हमेशा हमेशा के लिए। गौरी, गौरी तुम ठीक तो हो ना? गौरी, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। सूरज, सूरज और वो बच्चे, उसने उन्हें बनी की बना के रखा होगा। गौरी, 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 शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ सूरज को, और बाकी बच्चे भी ठीक हैं, अपने अपने घर जा चुके हैं। तुम जीत गए गौरी, हम जीत गए। तुम यहाँ बहुत देर से बेहोश थी, इसलिए तुम्हें कुछ और वो शक्ति दूध वाला, उसे मार दिया मैंने। गौरी, सब ठीक हो गया, सब कुछ। चलो अब घर। लेकिन तुम तो यहाँ थे भी नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ?